टॉप 25 की तरफ। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कंवरपाल गुर्जर बोले कि केंद्र सरकार को कानून लाने पर विचार करे, केंद्र में निश्चित तौर पर सख्त कानून की जरूरत है, देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो पहले नियम कोरोना को लेकर लागू थे वो सभी नियम लागू हैं और जैसे ही परिस्थितियां होंगी वैसे ही आगे फैसला लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मनगरी में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। पार्सला से विधायक नयन पाल रावत भगवान परशुराम सभा के कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को लेकर जो राजनीति कर रही है वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के बाजीगर बंजारा समाज संघर्ष समिति के लोग दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान जब बंजारा बाजीगर समाज के लोग जुलाना पहुंचे तो वहां लंगर पर किसानों का ने स्वागत किया। रोहतक में जारी महिला किसानों ने अब अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। शनिवार को मनीष ग्रोवर महिला किसानों के बीच पहुंचे और विवाद को सुलझा लिया गया। चरखी दादरी में किसान संगठन ने जेजेपी महिला नेत्री शीला भयाना को काले झंडे दिखाए। बताया जा रहा है कि शीला भयाना एक कार्यक्रम में पहुंची थी जिसकी खबर मिलते ही किसान संगठन वहां पहुंचकर नारेबाजी करने लगा। सिरसा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल ने सिरसा के उपायुक्त और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। भिवानी गांव कोट के में पानी की किल्लत के चलते ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मटका तोड़ विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद के खोरी गांव के अंदर फिर से शुरू हुई तोड़फोड़। अवैध निर्माण जल्द हटाने के लिए निगम ने मंगवाई थी अर्थमूवर्स मशीन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा है अवैध निर्माण। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर पंचकुला में चल रही थी लेट नाइट पार्टी। पार्टी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर की रेड। मौके से पुलिस ने करीब 300 हुक्के और अवैध शराब की बोतलें बरामद की। अंबाला पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरोह लोगों को रुपए दोगुने और तिगुना करने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। फरीदाबाद में मंत्री के भांजे और पार्षद पति की दबंगई सामने आई है। मंत्री के भांजे ने सरेआम पुलिस चौकी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करनाल में इंद्री रोड पर दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक एक्टिवा पर सवार युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी जिससे यह हादसा हुआ। गोला चीका में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। एसडीएम कोर्ट में पोल से करंट लगने से 9 साल के मासूम की मौत हुई। मौके पर नहीं पहुंची बिजली विभाग के कर्मचारी। अरावली की चोटी पर पेड़ से लटका शव मिलने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक चंद्रपाल सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पंचकुला में जंगल से मिला एक नाबालिग बच्ची का शव। मौके पर डीसीपी मोहित होंडा सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे, मामले की जांच में जुटे। पलवल में देवर भाभी का रिश्ता तार था। देवर पर भाभी ने लगाए ब्लैकमेल करने का दुष्कर्म करने का आरोप। मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रेवाड़ी में देर रात एक बस पानी से भरे अंडरपास में फंस गई जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 30 यात्री सवार थे। फिलहाल किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं। भाजपा विधायक राजेश नागर ने सैकड़ों पौधे लगाकर आरडब्ल्यूए महिलाओं को सौंपी पालन पोषण की जिम्मेदारी। कहा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। सोनीपत के उदयपुर गांव के अंदर पंचायत की जमीन पर 500 पेड़ का ऑक्सीजन बाग लगाया गया जहां पर हर उम्र के लोग पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। ट्री मैन देवेंद्र सुरा ने ऑक्सीजन बाग में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। हरियाणा में भारी बरसात होने के कारण रुका उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले यमुना पुल का निर्माण कार्य। बता दें कि पिछले 1 साल से यह निर्माण कार्य चल रहा था। कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के चलते चरखी दादरी में आईटीआई खोल दी गई है। नए आदेशों के मुताबिक आईटीआई परिसर को दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। बड़ा लॉकडाउन। तो वहीं हरियाणा में ढील लॉकडाउन, रात में 11 बजे सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन की पाबंदियां रहेंगी। 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल।